नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरा धनिया को पूरे साल भर के लिए कैसे स्टोर करें, वो भी बिना फ्रिज के। तो चलिए शुरू करते हैं। हरा धनिया पत्ती को स्टोर करने के लिए मैंने 250 ग्राम हरा धनिया पत्ती लिया है। आपको जितना धनिया पत्ती स्टोर करना है आप उतना ले सकते हैं, 1 किलो या 2 किलो भी स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हरा धनिया को तोड़कर इसकी पत्तियां अलग कर लेंगे। इस तरह से धनिया की पत्तियों को तोड़ने के बाद इसे साफ पानी से वॉश कर लें और इसका अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इसे कपड़े में फैलाकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दें। यहां पर मैंने पहले से हरा धनिया पत्तियों को तोड़कर इसका अतिरिक्त पानी सुखा लिया है। अब हमें धनिया को माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव शेप ट्रे लेंगे और हरा धनिया को पतला पतला फैला देंगे। इस तरह से हमें हरा धनिया को माइक्रोवेव करके इसका पानी सुखाकर इसे ड्राई करना है। हरा धनिया को 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। 3 मिनट हो गए हैं, हरा धनिया को निकालेंगे और इसे पलट देंगे और अब फिर से इसे 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ध्यान रखें कि इसे हमें एक साथ लंबे समय तक माइक्रोवेव नहीं करना है। इसे 3-3 मिनट करके 2 बार और फिर 2 मिनट और इसके बाद 1-1 मिनट करके माइक्रोवेव करेंगे जब तक कि हरा धनिया पूरी तरह से ड्राई हो जाए। यह हमने हरा धनिया को 3-3 मिनट करके 2 बार और फिर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है। आप देख रहे हैं कि हरा धनिया में थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए बाहर रहने दें। 4 मिनट के बाद मॉइस्चर हट गया है। अब हम हरा धनिया को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे और अब इसे 1-1 मिनट करके माइक्रोवेव करेंगे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि हरा धनिया पूरी तरह से ड्राई हो गया है। मैंने इसे टोटल 11 मिनट तक माइक्रोवेव किया है। चेक करने के लिए दोनों हाथ के बीच में हरा धनिया रखेंगे और इसे क्रश करके देखेंगे। इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख गया है, बहुत ही अच्छी तरह से क्रश हो रहा है। इसी तरह से पूरा हरा धनिया को ड्राई करेंगे। इस तरह से ड्राई धनिया को आप पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और हाँ, बारिश शुरू होने के पहले इसे एक बार कड़क धूप जरूर दिखा लें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप कैसे हरा धनिया को स्टोर करें। इसके लिए आप धूप में एक सूती कपड़ा फैला लें और हरा धनिया को पतला पतला फैला लें। ऊपर से एक और सूती पतला कपड़ा ढक दें। ऐसा करने से धनिया की पत्तियां काली नहीं पड़ेंगी और इसे 4 से 5 दिन तक धूप में सुखा लें। ऐसा करने से हरा धनिया बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और आप इसे पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी या टिप्स के साथ।